कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर सीएचसी स्तर पर किए जा रहे कार्यों एवं प्रयासों की हकीकत देखने के लिए डीएम मार्कंडे शाही का औचक निरीक्षण लगातार जारी है। सोमवार को डीएम मार्कंडे शाही ने सीएमओ के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्बन, पंडरी कृपाल, इटिया थोक तथा मुजेहना का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सीएचसी अधीक्षक सहित कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। डीएम ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने व कार्रवाई करने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं। डीएम सबसे पहले नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, वहां पर स्टाफ नर्स अनुप्रिया सिंह बिना मास्क के उपस्थित मिली। डीएम ने सीएमओ को आदेश दिया कि संबंधित स्टाफ नर्स के ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाए तथा जुर्माने की रकम की कटौती उसके वेतन से करे। अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के उपरांत डीएम सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरी कृपाल पहुंचे। वहां पर डीएम ने उपस्थिति रजिस्टर चेक किया तो स्वयं प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, वार्ड बॉय विद्याभूषण, सीबा परवीन, स्टाफ नर्स आयुष्मान मित्र, उत्कर्ष त्रिपाठी, एएनएम निर्मला तिवारी, काउंसलर विनोद कुमार अर्श, काउंसलर जितेंद्र सिंह, आरबीएस के फार्मासिस्ट मोहित सिंह, स्टाफ नर्स मंजू देवी, चपरासी राजेश्वर, आईओ अनुराग श्रीवास्तव तथा एमओ डॉक्टर सत्यवान सिंह 13 कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। डीएम ने मौके पर उपस्थित सीएमओ को निर्देश दिया कि तत्काल गैर हाजिर अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाए, क्यों ना उनके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी जाए। सीएचसी पर तैनात एक्सरे टेक्नीशियन प्रगति श्रीवास्तव को तत्काल वहां से हटाकर एक्सरे मशीन उपलब्ध अस्पताल में तैनात करने के आदेश दिए हैं। आरआरटी टीम के बारे में पूछने पर ज्ञात हुआ कि 11 बजे तक आरआरटी टीम फील्ड में निकलती ही नहीं। इससे नाराज डीएम ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं। सीएचसी पंडरी कृपाल का निरीक्षण करने के बाद डीएम इथिया टोक सीएचसी पर पहुंचे। वहां पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी अनुपस्थित मिली। पूछने पर बताया गया कि वो कोरोना संक्रमित है। एमओ डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, हरिओम यादव एक्सरे टेक्नीशियन, वार्ड बॉय प्रवीण चंद्र पांडे, वार्ड बॉय कमल कुमार तथा कर्मचारी दुखहरण व अरविंद कुमार प्रजापति तथा आरबीएस के टीम के गुरुचरण सिंह, अनिल कुमार पांडे, शरद श्रीवास्तव तथा सुनीता देवी सहित 11 कर्मी अनुपस्थित मिले। डीएम ने सभी गैर हाजिर कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के आदेश सीएमओ को दिए हैं। वहीं आरआरटी टीम के बारे में डीएम ने सीएमओ को निर्देश किया है कि वे आरआरटी टीम को रोजाना प्रोग्राम जारी करें कि कौन सी टीम कहां जाएगी। सीएचसी इथिया टोक का निरीक्षण करने के बाद डीएम ने सीएचसी मुजेहना का औचक निरीक्षण किया तो वहां पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमन मिश्रा उपस्थित मिली। एसएलटीएस निर्मल कुमार, श्रीमती आशा भगवत प्रसाद, वार्ड बॉय अमित मिश्रा गैर हाजिर मिले। आरआरटी टीम के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि टीम समुचित ढंग से फील्ड में नहीं जा रही है। इस पर डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिया कि सभी प्रभारी चिकित्सक अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा अधीक्षक सहित सभी कर्मचारियों तथा आरबीएस के टीम की उपस्थिति तथा आरआरटी टीम के फील्ड में प्रोग्राम के अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। डॉक्टर कृपाराम त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, गोंडा। रहे हैं और कहीं इसमें लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स और आरबीएसके की टीम जिसको आरआरटी कार्य में लगाया गया है वो भी अनुपस्थित मिली है। फील्ड में भी कहीं आरबीएसके की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फील्ड के लिए जानी बताई गई है लेकिन फील्ड में उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई।